एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज, ये जो व्लॉग है ये है 15 अगस्त का, और बस मेरे जो किचन के काम थे वो सारे ख़त्म हो चुके थे। अभी जो है घर की क्लीनिंग चल रही थी, तो आज का जो व्लॉग है ना वो थोड़ा सा लंबा भी होने वाला है एंड बहुत ज़्यादा बिजी था मेरा आज का दिन। वही सब कुछ जो है ना मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा। तो आज ना मुझे अपने सोफ़े के कवर चेंज करने थे। अगर आप मतलब मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता होगा पिछले व्लॉग से या उससे पिछले व्लॉग से कि मैं गई हुई थी गांव, और वहां से आने के बाद जो है ना मैंने अपने घर की क्लीनिंग काफ़ी अच्छे से की थी, बट सोफ़े के जो कवर थे ना मैं वो चेंज नहीं कर पाई थी क्योंकि और सारी क्लीनिंग करने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम चला गया था। तो आज बस 15 अगस्त का दिन था तो हस्बैंड भी मेरी हेल्प करने के लिए थे। आज का जो नाश्ता था वो मेरे हस्बैंड ने ही बनाया था। स्पेशल उन्होंने जो है ना मुझे रोटी का पोहा बनाकर खिलाया था। तो मैंने तब तक अपने घर की छोटी मोटी क्लीनिंग कर ली थी, और उसके बाद मैंने क्लीनिंग की है अपने सोफ़े की। इसके जो है कवर चेंज किए हैं, और चेंज करने के बाद ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो हस्बैंड ने नाश्ता बना दिया था, उसके बाद मैंने अपने किचन की क्लीनिंग वगैरह की। और मतलब किचन की क्लीनिंग करने में भी ना काफ़ी टाइम चला जाता है। मैंने तब तक जो है छोटी मोटी मतलब जैसे बालकनी वगैरह हो गई, रूम हो गए, उनमें झाड़ू लगा ली थी। अभी लिविंग रूम बचा था, तो उससे पहले जो है ना मेरे जो प्लांट्स रखे रहते हैं मेरे लिविंग रूम में, मुझे आज इनको थोड़ा सा जो है ना शार देना था, तो मैं वही कर रही हूँ। और इनके मतलब लीव्स वगैरह पर ना काफ़ी ज़्यादा धूल हो गई थी, जैसे कि मैंने बताया दो तीन दिन घर भी बंद रहा, और उससे पहले से भी जो है ना मैंने इनकी क्लीनिंग की नहीं थी। तो आज मैंने सोचा कि चलो आज इनकी क्लीनिंग कर लेती हूँ मैं। तो मैंने बस अपना ये बोतल ली है, तो इससे ना काफ़ी अच्छे से प्लांट जो है धुल जाते हैं। तो इसी की हेल्प से मेरे जितने भी प्लांट्स हैं ना जो अंदर रखे थे, उन सबकी लीव्स को मैंने काफ़ी अच्छे से वॉश कर दिया था, और ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गए थे। बाहर मेरा रबड़ का प्लांट रखा है, इसको भी जो है ना मैंने कपड़े की हेल्प से पोंछ दिया था क्योंकि इस पर धूल बहुत जल्दी बैठती है। अभी जो है डाइनिंग टेबल पर मैंने लास्ट व्लॉग में शेयर किया था ना कि मैंने इस पर कवर नहीं डाला था, तो इसको जो है ना मतलब मुझे डेली ही क्लीन करना पड़ता था टेबल को, क्योंकि ब्लैक कलर की है तो बहुत ज़्यादा जो है डस्ट इस पर दिखाई देती है। तो मैंने सोचा इससे तो अच्छा है कि मैं इस पर कवर ही डाल लूँ, तो बस आज मैं कवर इस पर डाल रही हूँ जिससे कि मेरा जो काम है ना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। सिर्फ जो है ना मुझे डेली ये मैट क्लीन करनी रहेंगी, मैट क्लीन करने में इतना टाइम जाता नहीं है, तो इसलिए आज मैंने इस पर कवर डाल दिया था, और फिर जो भी इस पर सामान रखा रहता है उसको ऑर्गेनाइज कर दिया था। ऑर्गेनाइज होने के बाद डाइनिंग टेबल काफ़ी अच्छा लग रहा था। और लास्ट व्लॉग में शायद मैंने शेयर किया था कि मैंने जो मेरी ये सुरैक है एंड जो मेरे बेडरूम में रखी रहती है ना कैबिनेट, मैंने उसके दोनों के ही रनर जो है उतार कर वॉश करने के लिए डाले थे। तो वॉश तो हो गए थे, बट घर जाने से पहले मैंने इनको डाला नहीं था। मैंने सोचा था कि दो तीन दिन नहीं रहूँगी ना तो डस्ट इन पर हो जाएगी, तो इसलिए आने के बाद ही मैं इनको डालूँगी। तो आज थोड़ा सा टाइम मिला तो बस मैंने रनर भी डाल दिया है। पहले जो है ना इस पर रेड वाला मैंने रनर डाला रहता था, बट इस बार मैंने इस पर येलो वाला रनर डाला है। छोटी मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ों को जो है ना आप घर की चेंज करते रहो ना तो थोड़ा सा न्यू लुक आ जाता है और आपको भी अच्छा लगता है देखने में। तो इसलिए मैंने येलो वाला जो रनर था वो मैंने बाहर डाल दिया था, और जो रेड वाला रनर है ना वो मैं आज इस वाली टेबल पर डालूंगी। और मैं जब भी किसी प्लेस की मतलब क्लीनिंग करती हूँ ना तो मेरी हैबिट है, मैं चाहे मतलब जो चीज़ लेफ्ट में रखी है उसे राइट में रख देती हूँ, और जो राइट में रखी जाती है उसे लेफ्ट में। तो इसी इतने से ही चेंज से ना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि हाँ मतलब कुछ नया ऐड हुआ है मेरे घर में बस थोड़ा सा प्लेस चेंज करने से ही।
तो अभी जो है ना मेरी जो बाहर की मतलब बेडरूम वाली ये बालकनी है ना, इसकी ग्रिल बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, और एक जो मेरी मतलब लिविंग रूम की बालकनी है उसकी ग्रिल भी काफ़ी गंदी थी। किचन वगैरह की तो क्लीन होती ही रहती है, और जो मेरी लंबी वाली बालकनी है ना जहाँ पर मैं अपने कपड़ों का स्टैंड रखती हूँ वो भी क्लीन होती रहती है, बट ये ना क्लीन नहीं हो पाई थी। तो आज मैंने मेरा ध्यान इन पर गया कि मतलब गंदी हो रही है काफ़ी, तो फिर मैंने सोचा चलो लगे हाथ इनको भी जो है ना मैं आज क्लीन ही कर देते हैं। और आज 15 अगस्त था ना, तो सोसाइटी में प्रोग्राम भी था, दो प्रोग्राम थे, एक सुबह मॉर्निंग में मतलब 9 o'clock से था, और एक था आफ्टरनून में 2 और 3 o'clock से। बट डुगु की जो है तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी, हुआ क्या उसको जो है ना थोड़ी सी आंखें रेड हो रही थी, तो इस वजह से मैंने मतलब डर की वजह से कि कहीं इसको कंजक्टिवाइटिस ना हो गया हो, तो मैंने और बच्चों के साथ उसको नहीं भेजा। वो जिद तो काफ़ी कर रहा था, बट फिर मैंने उसको समझाया तो वो मान गया था। अभी जो है ये है दोपहर का टाइम, आज मतलब क्लीनिंग वगैरह करने में काफ़ी मैं लेट हो गई थी, क्योंकि प्लांट्स वगैरह मैंने धुले थे, फिर झाड़ू पोछा वगैरह सब किया। और 15 अगस्त था तो कुछ स्पेशल तो बनना बनता ही था। तो मुझे ना बिरयानी काफ़ी ज़्यादा पसंद है, हस्बैंड से पूछा तो उन्होंने भी कहा कि हाँ मैं खा लूँगा, तो बस यहाँ पर मैं ना बिरयानी की प्रिपरेशन करने लगी थी। और अभी जो है ना आपको अपनी मतलब सोसाइटी का वो दिखाती हूँ व्यू, पूरी सोसाइटी में ना जो हमारा तिरंगा झंडा होता है वो फहराया हुआ था कई जगह पर, सारे में बलून वगैरह भी लगे हुए थे, और ये सामने ना काफ़ी बड़ा सा एक झंडा था, बट वो अभी ना दिखाई नहीं दे रहा था सही से। और मतलब सभी ने ना, कुछ लोगों ने अपने घरों पर भी जो है झंडा फहराया हुआ था, तो मतलब तिरंगा झंडा देखकर ना एक अलग सी ही फीलिंग आती है मन में, मतलब बड़ा प्राउड मोमेंट लगता है। और यहाँ पर देखिए मैंने अपनी बिरयानी की भी प्रिपरेशन कर दी थी, मैं वेजिटेबल बिरयानी बना रही थी, बहुत मतलब सिंपल तरीके से बनाती हूँ। तो प्याज काटी है, पनीर है, टमाटर, कैप्सिकम और गाजर थी, साथ ही चावल भी भिगोकर मैंने छोड़ दिए थे। चावल भिगोए हुए मुझे लगभग 1 घंटा हो चुका था, जब मैं मतलब नहाने जा रही थी ना तब मैं चावल भिगा कर चली गई थी। और अभी बस चावल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, उनको जो है मैं पकने के लिए रखूँगी। तो एक भगोने में मैंने पानी डाला है, और उसमें मैं खड़े मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, तेज पत्ता और एक छोटी हरी इलायची डाली थी, साथ में नींबू भी डाला था, थोड़ा सा घी और थोड़ा सा नमक, ये सब चीज़ें डालकर मैंने अपने चावल जो है ना बॉईल होने के लिए रख दिए थे। चावल बॉईल होने के लिए तो रख दिए थे, अभी साथ के साथ जो भी मतलब सब्जियां मैंने कट की थी ना उनको मुझे सोते करना था। तो पैन में मैंने लिया है देसी घी, मैं देसी घी में ही सारी सब्जियां सोते करूँगी, क्योंकि देसी घी की जो फ्रेग्रेंस है ना वो बिरयानी में अलग ही आती है। तो सबसे पहले मैंने घी गर्म होने पर उसमें डाली है थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च, थोड़ी सी हल्दी, और जो पनीर के क्यूब्स मैंने कट किए थे इनको हल्का सा मैंने जो है फ्राई कर लिया है। और देखिए उधर चावल भी जो है ना बॉईल होने लगे थे, तो मैं जो है ना चावलों को भी बीच बीच में देख रही थी, क्योंकि जब आप बिरयानी बनाते हैं ना तो आपको सिर्फ 80 to 85% ही अपने जो चावल हैं उनको पकाना होता है। तो यहाँ पर ना पनीर को फ्राई करने के बाद घी थोड़ा कम था तो मैंने और घी डाला, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है, एंड जो प्याज कट की थी ना वो मैंने यहाँ पर हल्की सी गुलाबी होने तक भून ली है। और जैसे ही मेरी प्याज गुलाबी हुई मैंने उसमें जो टमाटर कट किया था वो ऐड कर दिया है, और साथ ही साथ चावल को भी मैं देखती जा रही हूँ बार बार। अब इसमें मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है जिससे कि जो टमाटर है ना वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। इतना टमाटर पक रहे थे, मेरे चावल भी जो है ना मतलब जितने मुझे चाहिए थे पके हुए वो पक चुके थे, मैंने इनको छान लिया है, और जो भी खड़े मसाले थे वो मैंने निकाल दिए, क्योंकि मुंह में आते हैं ना तो फिर अच्छे नहीं लगता है वो। और अभी बस यहाँ पर टमाटर के पकने के बाद मैंने शिमला मिर्च और जो गाजर थी वो ऐड कर दी है इसमें, और मैंने इसमें ना बहुत हल्का सा मतलब 1 चम्मच के बराबर पानी भी डाला था, जिससे कि मतलब जल्दी से स्टीम से ये जो है हल्की सी पक जाए। पूरी सब्जी नहीं पकानी है, सिर्फ हल्की सी जो है ना पक जानी चाहिए हल्की सी।
और साथ ही मैंने यहाँ पर जो भी बेसिक मसाले होते हैं वो डाले हैं। अगर आपके पास बिरयानी मसाला हो तो आप बिरयानी मसाला ज़रूर डालिए, मेरे पास नहीं था तो मैंने सिर्फ बेसिक मसाले डालकर ही ये बनाई और लास्ट में बस मैंने इसमें पनीर ऐड कर दिया था। और सच बताऊँ बहुत टेस्टी बिरयानी बनी थी, हस्बैंड भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे। मैंने ना इस तरह की बिरयानी फ़र्स्ट टाइम बनाई थी। ये बिरयानी ना इस तरह से मेरी भाभी बनाती है, मुझे बहुत पसंद आई थी जब उन्होंने यहाँ पर बनाई थी, तो फिर मैंने भी इस बार ट्राई की और ये काफ़ी अच्छी बनी थी। अभी जो है ना हमारा मसाला पक चुका था तो मैंने इसमें आधी कटोरी के बराबर दही को अच्छे से फेंट कर मिक्स कर दिया था और गैस जो है बंद कर दी थी जिससे कि दही फटे ना। और अब दही में मिक्स हो जाने के बाद एक मिनट मैंने और पकाया है सब्जी को। उसके बाद यहाँ पर मैं अपनी बिरयानी में दम लगाऊंगी, तो मैंने तवा रखा है, तवे पर मैंने कुकर रख दिया है। साथ ही जो चावल में से पानी निकला था ना उसमें से ना मैंने एक या दो चम्मच पानी कुकर में नीचे डाल दिया है, इससे जो है ना जो बिरयानी होती है ना वो जलती नहीं है नीचे से, और एक दो चम्मच ही बस डालना होता है। तो सबसे पहले मैंने एक चावल की लेयर डाली है, उसके बाद जो भी ये सब्जियां थी इन सब्जियों को मैंने सब्जी की एक लेयर बना दी है एंड सेकंड लेयर फिर से मैंने जो है चावल की डाली है, और फिर ऊपर से एक बार और मैं सब्जी डालूंगी। तो ऊपर वाली लेयर में सब्जी ना थोड़ी सी कम रह गई थी, बट कोई नहीं। और साथ ही मैंने इसे ना मतलब बिरयानी को थोड़ा सा कलरफुल बनाने के लिए यहाँ पर जो फूड कलर होता है ना ऑरेंज कलर का कहीं कहीं पर वो डाल दिया था। तो जब आप फिर बिरयानी सर्व करते हैं ना तो ये बहुत सुंदर लगती है देखने में। और बस मैंने यहाँ पर ना 2 से 3 मिनट के लिए दम के लिए इसको रख दिया था, स्लो कर दी थी गैस, और बस 2 से 3 मिनट के बाद हमारी बिरयानी थी रेडी। तो ये थी हमारी आज की बिरयानी स्पेशल सा खाना, काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में और खाने में भी बहुत अच्छी थी। साथ में है जो लहसुन और मिर्च की चटनी होती है ना, मतलब अगर ये चटनी आपकी बिरयानी के साथ है ना तो आपकी बिरयानी में 4 चांद लग जाते हैं। इसके साथ बिरयानी इतनी टेस्टी लग रही थी ना कि हम सब ने मतलब फुल पेट खाया, मतलब मैंने तो डेली जैसे डेली खाती हूँ उससे ज़्यादा ही खा लिया था। और दोपहर का काम करते करते ना मतलब खाना वगैरह खाते और सारी किचन यूटेंसिल क्लीन करते करते 3:30 बज गए थे। उसके बाद मैंने हार्डली 15 से 20 मिनट रेस्ट किया होगा और फिर से जो है ना मैं काम पर लग गई। घर जब हम गए थे ना तो ये गेहूं आए थे, तो इसका जो है ना मैं आटा पिसवाना था, आटा था थोड़ा कम ही हमारे पास, तो ये गेहूं जो है ना मुझे साफ़ करने थे। मैं इनको साफ़ करने बैठ गई थी, ये मेरे हस्बैंड का ऑफिस वाला रूम है, हस्बैंड भी यहीं पर बैठे थे, तो यहाँ पर बस डुगु भी आ गया था और उसको क्लीन करने में ना मुझे 1 से 1.5 घंटा लग गया था, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। अभी जो है ना क्लीन हो गए थे तो यहाँ पर बस मैं इनको जो है दोबारा से बोरी में डाल रही थी और फिर शाम के टाइम हस्बैंड इसको जो है ना पिसवाने चले जाएंगे। अभी घर के काफ़ी सारे काम थे और टाइम हो गया था 5:30 या 6 बजे का टाइम हो गया था मुझे गेहूं को साफ़ करते करते। आज चाय भी नहीं पी थी मैंने, लेट हो गया था, तो सबसे पहले तो मैं जो भी कपड़े वॉश किए हुए थे ना मॉर्निंग में उन सबको यहाँ पर उतारने आई थी कि अगर टाइम मिला तो इनको फोल्ड कर दूंगी, नहीं तो अभी जो है ना बेड पर ही रख दूंगी इनको। तो कभी कभी ना ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा रूटीन में ही काम करें, आपके काम हमेशा परफेक्ट ही रहें। तो आज मेरा काम भी बस ऐसे ही हो रहा था, तो कपड़े तो अभी मैं उतार कर रखाई थी, थोड़ी सी चाय पीने का मन करने लगा था तो आ गई थी किचन में, एक छोटा कप मैंने चाय बनाई अपने लिए, और साथ ही मुझे आज मलाई भी लगानी थी क्योंकि मलाई जो है ना काफ़ी दिन से इकट्ठी हो गई थी। तो मैंने मलाई वैसे तो दोपहर में ही निकाल कर बाहर रख दी थी, अभी मुझे उसको ब्लेंडर से ब्लेंड करना है, तो चाय भी बनती रहेगी और साइड बाई साइड मैं जो है ना मक्खन भी निकाल लूँगी। तो यहाँ पर चाय रख दी है मैंने, जो है चाय की पत्ती चीनी वगैरह सब डाल दी है, और दूध और मतलब दूध और पानी मैंने एक साथ ही डाल दिया था। तो मुझे थोड़ी सी दही भी बनानी थी, तो यहाँ पर दूसरे बर्नर पर मैंने दूध गर्म किया और इधर मैं जो है ना दही की तैयारी करने लगी थी, तब तक मेरी चाय भी बन गई थी। चाय
तो बन गई थी, अभी जो है ना मैं पहले मक्खन मतलब घी बनाने लगी थी, मक्खन निकालने लगी थी। तो अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हैं ना तो आपको पता होगा कि मुझे जो है ना चाय थोड़ी ठंडी करके पीना पसंद है। मैं जो है ना बिल्कुल गरम गरम चाय नहीं पी सकती, मुझे हल्की सी ठंडी चाय अच्छी लगती है। तो चाय बन गई थी, मैंने अभी उसको कप में ऐसे ही छान कर रख दिया था। तब तक मेरा मक्खन भी बन गया था और मैंने मक्खन को जो है ना पानी में 2 से 3 बार अच्छे से वॉश किया, जिससे कि उसके अंदर जितना भी छाछ या मट्ठा होता है ना वो निकल जाए। तो इससे क्या होता है, आपका जो घी है ना वो थोड़ा जल्दी बन जाता है। उसके बाद मैंने जो है घी को रख दिया है गैस पर पकने के लिए, और चाय भी बस मैं यहाँ पर खड़े खड़े ही पी रही थी क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गया था। और ये सारे काम जो है ना, सच बताऊँ, आज प्लान्ड थे, ऐसा नहीं है कि मैंने कोई भी काम जो है अनप्लान्ड किया था, सारे मेरे माइंड में पहले से ही थे। बट वही है, जब एक काम लेट होता है ना तो सारे काम लेट होते चले जाते हैं। और अभी मैं आई थी यहाँ बाहर, मुझे जो है ना एक दो प्लांट को रिपोर्ट करना था। मेरे दो प्लांट्स हैं, एक तो गुड़हल का था और एक ये सोंगोफिंडिया जो है, ये दोनों ही ना छोटे प्लांटर में लगे हुए थे, जिससे जो है ना इनकी ग्रोथ अच्छे से हो नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज बड़े प्लांटर में लेकर आई थी इनके लिए कि इनको रिपोर्ट कर देती हूँ। और बाहर ना सोसाइटी में फंक्शन हो रहा था इंडिपेंडेंस डे का, अभी जो सेकंड वाला हो रहा था, काफ़ी अच्छे अच्छे सॉन्ग चल रहे थे बाहर, अच्छा लग रहा था। तो मैं करने तो बैठी सिर्फ इन दो प्लांट को ही थी, बट वही है ना, जब आप एक काम छेड़ते हो ना तो उसके साथ ना कई सारे काम निकल कर आ जाते हैं। तो लगाने मुझे सिर्फ ये दो प्लांट थे, बट उसके साथ जो है ना मैंने इतने सारे पोट में जो है ना मतलब काम छेड़ दिया कि फिर जो है ना मुझे ये सब करने में 1 से 1.5 घंटा लग चुका था। मैं 6:15 बजे के अराउंड यहाँ पर बैठी थी और मुझे ये सब काम करते करते ना 7:30 बज गए थे। तो इस तरह से जो है ना आज का मेरा दिन इतना ज़्यादा बिजी रहा कि मुझे जो है ना थोड़ा सा रेस्ट करने का भी टाइम नहीं मिला। और शाम आते आते ना मेरी बैक में और मेरे लेग में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा था। अभी मैं आई थी अंदर क्योंकि आज तो रुकू की छुट्टी थी, बट कल से स्कूल ओपन हो रहे हैं तो उसकी यूनिफॉर्म पर आयरन नहीं थी, और पसीने इतने छूट गए थे ना बाहर प्लांट लगाते लगाते। तो मैं अंदर आई, थोड़ी देर के लिए मैंने बालों को खोला और फिर जो है ना मैं फिर से लग गई थी काम पर, आयरन करनी थी दिवित की यूनिफॉर्म पर। तो दोनों ही यूनिफॉर्म पर मैं एक साथ आयरन करके रख दूँगी, तो मेरा जो है ना एक दिन का काम थोड़ा सा कम हो जाएगा। और आयरन करते करते ना मुझे ध्यान आया कि मैंने गैस पर जो है ना अपना घी बनने के लिए रखा था जब मैं अपने प्लांट को लगाने गई थी। तो मैंने ना बिल्कुल स्लो गैस की हुई थी, तो स्लो गैस की वजह से जो है ना तो मेरा घी जला था, मतलब बिल्कुल वो बहुत धीमे धीमे पक रहा था, तो इसलिए अभी भी जो है ना वो ऐसे ही पक रहा था। तो मैं उसे बस एक बार चला कर आ गई और यहाँ पर फिर से जो है मैं अपने कपड़ों पर आयरन करने लगी थी। और देखिए दिवित आया था अभी पार्क से खेल कर, वो यहाँ पर अपना डांस वगैरह दिखा रहा था। और बस ये जो व्लॉग है ना वो मैं बस यहीं पर एंड करती हूँ, क्योंकि इसके बाद तो मैं इतनी टायर्ड हो गई थी कि मेरा सच में कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा था, वीडियो शूट वगैरह करने का भी। तो बस चलिए गाइज, आई होप आज का व्लॉग जो है ना आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ आपसे अपने एक नए व्लॉग के साथ, एक नए दिन के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।